हेलो फ्रेंड्स, D.L.K. बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। और आज हम बात करेंगे भी प्लास्टिड एंड इट इज क्लासिफिकेशन, लड़क है उसका वर्गीकरण आज का हमारा टॉपिक है। और फ्रेंड्स, इससे पूर्व की वीडियोज में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया था। आज हम प्लांट कोशिका का एक अति महत्वपूर्ण कोशिकांग बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टिड या लव, साथ ही साथ उसके क्लासिफिकेशन की भी अपन बात यहां करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट सेल में उपस्थित एक सबसे बड़ा कोशिकांग है जो खाद्य पदार्थों का संग्रह व संश्लेषण करता है। प्रोकैरियोटिक सेल, कवक सेल और एनिमल सेल में प्लास्टिड का क्या होता है भी अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, कवक सेल, एनिमल सेल को छोड़कर प्लांट सेल में प्लास्टिड उपस्थित होता है या लवक उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड शब्द ग्रीक भाषा के प्लास्टिक का शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ फॉर्मेटेड या मोल्डेड या निर्मित किया हुआ या बनाया गया होता है। तो प्लास्टिक शब्द ग्रीक भाषा के प्लास्टिक का शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है भी, निर्मित किया गया या बनाया गया, मेड ऑन। हिकेल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में इसे लवक कहा। तो लवक शब्द हिकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जैसा कि अपन अभी मैंने बात किया कि प्लास्टिड प्लांट कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ए डब्ल्यू एफ सिंपर ने इसे प्लास्टिक काज नाम दिया और कहा कि यह प्लांट कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का संग्रह और संश्लेषण करता है। नए प्लास्टिड या लवकों का निर्माण पूर्ववर्ती प्लास्टिड से ही होता है और उन पूर्ववर्ती प्लास्टिड को प्रोप्लास्टिड के नाम से जाना जाता है। तो प्रोप्लास्टिड से न्यू प्लास्टिड का निर्माण होता है। तो ये था भी प्लास्टिड, जो कि प्लांट सेल में उपस्थित एक अति महत्वपूर्ण कोशिकांग है। अब अपन बात करें भी क्लासिफिकेशन। प्लास्टिड मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक है अवर्णी लवक और दूसरे हैं वर्णी लवक। तो प्लास्टिडों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया भी, एक है ल्यूकोप्लास्ट जिसे अपन कह सकते हैं अवर्णी लवक और दूसरे हैं क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक। अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार के वर्णक नहीं पाए जाते हैं। ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, गोलाकार होते हैं, क्षणनुमा होते हैं। तो अवर्णी लवक रंगहीन, वर्णकहीन, अप्रकाश संश्लेषी, गोलाकार, क्षणनुमा होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व लिपिड का संचय रहता है और ये प्लांटों की एम्ब्रियो सेल, रिप्रोडक्टिव सेल और विभजोतक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो अवर्णी लवक वर्णकहीन होंगे, अप्रकाश संश्लेषी होंगे और इनमें खाद्य पदार्थों का क्या रहता है, संचय रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का क्या रहेगा भी, संग्रह होगा। और ये रिप्रोडक्टिव सेल में, भ्रूणीय कोशिकाओं में और विभजोतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब अपन बात करें ल्यूकोप्लास्टों को खाद्य पदार्थों के संग्रह के आधार पर
तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। पहले है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट वे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च का संचय करते हैं, उन्हें क्या करते हैं भी एमाइलोप्लास्ट, ये स्टार्च का संग्रह करते हैं। ये रंगहीन होंगे जैसा कि अपन जानते हैं क्योंकि इनमें वर्णक नहीं है तो रंगहीन होंगे। ये पादपों के कंदों में, बीज पत्रों में, बुड़ पौध सेल में उपस्थित होते हैं। इस तरीके के एमाइलोप्लास्ट में न्यूक्लियोटाइड्स व राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं इडियोप्लास्ट, वे ल्यूकोप्लास्ट जो तेल या वसा का संचय करते हैं क्या कहलाते हैं भी इडियोप्लास्ट कहलाते हैं। और ये सभी प्लांट्स के बीजों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से तेलीय प्लांट्स के बीजों में ये पाए जाते हैं इडियोप्लास्ट, यानी तेल का संचय करने वाले। आगे बात करें अपन तीसरा, वो है प्रोटीनोप्लास्ट या इसे एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। वे ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन का संग्रह करते हैं उन्हें क्या कहते हैं भी एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। और ये भी रंगहीन होते हैं क्योंकि वर्णक हीन है तो रंगहीन होंगे। जैसे हेलीबोरस प्लांट की एपिडर्मल सेल में, ब्राजील नट में और सीरिनस के बीजों में क्या पाए जाते हैं भी प्रोटीनोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो प्रोटीन देने वाले सभी बीजों में प्रोटीनोप्लास्ट उपस्थित होता है। तो ये था भी ल्यूकोप्लास्ट, तीन कैटेगरी एमाइलो, इलियो, प्रोटियो। एमाइलो स्टार्च का संग्रह करेंगे, इलियो वसा का संग्रह करते हैं, संचय करते हैं, और प्रोटीनोप्लास्ट जो है वो किसका संग्रह करते हैं भी प्रोटीन का संग्रह करते हैं। अब अपन दूसरी कैटेगरी बात कर रहे हैं प्लास्टिड की, वो है क्रोमोप्लास्ट। जैसा कि नाम से पता लग रहा है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक जो रंगीन होते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं। तो इनमें वर्णक पाए जाएंगे, ये प्रकाश संश्लेषण में व खाद्य पदार्थों के संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट्स जैसी प्लांट सेल में ये उपस्थित होते हैं। रूट में विशेष रूप से ट्रापा की कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं जिसमें स्वांगीकारी जड़ें पाई जाती है, उन सेल में क्रोमोप्लास्ट उपस्थित हो सकते हैं। इसी प्रकार गाजर में भी क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट की अपन बात कर रहे थे, ये वर्णकयुक्त तो होंगे, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक होंगे, ये रंग या कलरफुल होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में और खाद्य पदार्थों के संश्लेषण में। इन्हें भी वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर निम्न कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले अपन बात करें भी क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग के लवक है, इनमें हरे रंग के वर्णक उपस्थित होते हैं। तो ये हरे रंग के लवक है, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जैसा हरे रंग का वर्णक उपस्थित होता है। यह अति महत्वपूर्ण लवक है, इसका विस्तृत अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें डीएनए आरएनए उपस्थित होता है और ये उच्च वर्गीय पादपों और शैवालों की प्रकाश संश्लेषी इकाइयों में उपस्थित होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के हैं और इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक उपस्थित होता है। अगला अपन बात करेंगे थियोप्लास्ट, थियोप्लास्ट भूरे या पीले रंग के वर्णक है और इसमें भूरे या पीले रंग के लवक है और इसमें भूरे या पीले रंग के वर्णक जैसे फ्यूकोजेंथीन उपस्थित होता है। तो थियोप्लास्ट भूरे या पीले रंग का वर्णक है जिसमें फ्यूकोजेंथीन पीले रंग का या भूरे रंग का वर्णक है जो भूरे शैवालों में जैसे डाई एटम्स व डाइनोफ्लेजिलेट्स में उपस्थित होता है। तो थियोप्लास्ट भूरे रंग का लवक है
जिसमें भूरे वर्णक फ्यूकोजेंथिन उपस्थित है, जो भूरे शैवालों जैसे डाई एटम्स और डायनोफ्लेजिलेट में उपस्थित होते हैं। अगला अपन बात करें भी रोडोप्लास्ट, ये लाल रंग का वर्णक है, लाल रंग का लवक है और इसमें लाल रंग का वर्णक फाइको इरिथ्रीन उपस्थित होता है, जो कोणीय गोलाकार सूचाकार बहुभुजीय या पटलिका युक्त होता है। तो रोडोप्लास्ट जो है भी वो लाल रंग का लवक है जिसमें लाल रंग का वर्णक उपस्थित होता है और मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए और बी ही होते हैं इसमें, परंतु ये सहायक वर्णक के रूप में है फाइको इरिथ्रीन। ये लवक कोणीय गोलाकार सूचाकार या पटलिकाकार या बहुभुजीय आकृतियों में होते हैं। आगे अपन बात करें भी क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स एक विशेष प्रकार के क्या है भी लवक है, जो प्राय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और जीवाणु कोशिकाओं में या बीजीय ब्लू ग्रीन एल्गी में या साइनोबैक्टीरिया में इस तरीके के लवक पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर। इनमें विस्तृत झिल्ली युक्त लवक नहीं होते हैं, बल्कि जीवाणुओं में बीजी में या कवकों में वर्णक मेम्ब्रेन युक्त नहीं होते हैं, प्लास्टिड नहीं होते हैं, बल्कि इसमें वर्णक सकेंद्री प्लेट्स के रूप में होते हैं। तो इनमें झिल्ली युक्त प्लास्टिड नहीं होते हैं, लवक नहीं होते हैं, बल्कि पटलिका युक्त सकेंद्री प्लेट्स होती है और उन्हीं पटलिकाओं को हम क्या कहते हैं भी क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। तो क्रोमेटोफोर्स लवक के रूप में नहीं है, ये झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, बल्कि सकेंद्री प्लेट्स होती है और सकेंद्री प्लेट्स ही मिलकर क्रोमेटोफोर बनाती है। क्रोमेटोफोर में भी विभिन्न प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या उपस्थित होते हैं भी क्रोमेटोफोर्स, और ये झिल्ली रहित वर्णक होते हैं जिसमें सेकेंडरी प्लेट्स होती है। इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं। कौन कौन से वर्णक हैं इसमें देखिए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम से पता लग रहा है कि बैक्टीरिया में उपस्थित है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल में भी बैंगनी सल्फर जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैंगनी सल्फर जीवाणुओं में उपस्थित होता है और ये इंफ्रारेड प्रकाश को अवशोषित करता है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्रोमेटोफोर में कौन कौन से वर्णक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो बैंगनी सल्फर जीवाणु में है और ये इंफ्रारेड प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं। दूसरा है बैक्टीरियो विरिडीन, ये ग्रीन सल्फर जीवाणु में उपस्थित होता है। उसी प्रकार सी फाइकोसाइनिन सी फाइको इरिथ्रीन ये भी क्रोमेटोफोर में उपस्थित वर्णक है, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरिथ्रीन जो ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए या साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है और ये नीला हरा रंग का वर्णक होता है भी। अगला अपन बात करें तो कैरोटीनोइड्स, और ये कैरोटीनोइड्स जो कि एक अलग ही प्रकार का वर्णक है जो है क्रोमोप्लास्ट रूप में भी उपस्थित होता है, क्रोमोप्लास्ट के रूप में पाया जाता है कैरोटीनोइड्स वर्णक। और इसमें कैरोटीनोइड्स जो वर्णक है इसमें कैप्सेंथीन फ्यूकोजेंथीन जेंटोफिल्स व कैरोटीन जैसे वर्णकों को सम्मिलित किया गया है। तो कैरोटीनोइड्स एक क्रोमोप्लास्ट का ही रूप है, उसी में पाए जाने वाले वर्णक है ये, जिसमें कैप्सेंथीन फ्यूकोजेंथीन जेंटोफिल व कैरोटीन जैसे वर्णक उपस्थित होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें कैरोटीनोइड्स जैसे वर्णक भी होते हैं, परंतु ये अल्प मात्रा में होते हैं, इसलिए इन्हें सहायक वर्णकों के रूप में अपन जानते हैं। तो क्लोरो जैसे यहां पर बात की क्लोरोफिल ए बी फ्यूकोजेंथीन फाइकोरिथिन, ऐसे ही कैरोटीनोइड्स भी एक वर्णक है
जो क्रोमोप्लास्ट में ही उपस्थित होता है, और इसके जो कैरोटेनॉइड्स के जो टाइप है वो है कैप्सेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, जेंटोफिल्स व कैरोटीन्स, जो कि जीवाणु में, कवकों में, फलों में, उनकी भित्तियों में, पुष्पों में, उनमें उपस्थित होता है। कौन भी? कैरोटीनॉइड्स। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये अपन ने प्लास्टिड देखे, प्लास्टिड या लवकों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के वर्णक देखे। ये वर्णक एक दूसरे में इंटरचेंज होते भी रहते हैं। वर्णी लवक किसमें भी, जैसे ये वर्णी लवक है, जितने भी ये अपन ने बात की वर्णी लवक, ये सभी एक दूसरे में, जैसे क्लोरोप्लास्ट किसमें भी, रोडोप्लास्ट में या क्लोरोफिल ए, फ्यूकोजेंथीन में, इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। ये वर्णक भी एक दूसरे में बदलते रहते हैं, जिनसे उनका रंग निर्धारित होता है। तो ये था भी आज का अपना टॉपिक, प्लास्टिड एंड इट इज क्लासिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।